हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के थ्रू मैं तीन इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, और इसी के साथ साथ लास्ट में मैं आज का डेट का जो लेटेस्ट कोविड अपडेट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला न्यूज जो आ रहा है, कल को हमाद कोर्ट में एमओपी सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज एफिलिएटेड एक फूड सेफ्टी लैब ओपन किया गया है। इससे क्या होगा, जो भी फूड कतर में इंपोर्ट या तो फिर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उन सभी आने वाले या तो फिर जाने वाले फूड के क्वालिटी को सही से चेक किया जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज आ रहा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ओके, हमाद मेडिकल कॉर्पोरेशन से एक सेंट्रलाइज आइसोलेशन होम सर्विस लॉन्च किया गया है, जो कि सीडीसी कतर मतलब कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर कतर से ऑपरेट किया जाएगा। तो अभी अगर आप लोगों को कोई भी कारणवश अगर होम क्वारंटाइन में जाना पड़ता है, आप लोगों को तो पता ही है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का फोन में मैसेज आ जाए और आप लोगों को उसी दिन से होम क्वारंटाइन में जाना पड़े। तो होम क्वारंटाइन में कौन से लोगों को जाना पड़ेगा, जो लोग लो रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उन लोगों का तो मैंडेटरी है, और अगर हम लोग जो लोग हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं, ऑलरेडी होटल क्वारंटाइन कंप्लीट कर खा है, नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं, नॉर्मल सब कुछ कर रहे हैं, और इसी टाइम अगर कोई भी पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव लोग अगर हम लोग का 2 मीटर का आसपास में आ जाता है, तो हम लोग का फोन में भी मैसेज आ जाएगा कि कल से आप होम क्वारंटाइन हो जाइए। तो अभी आपको पहले से जान के रखना ये बहुत ही जरूरी है, अगर आपका पास ये होम क्वारंटाइन मैसेज आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग जाइए मेस में जैसे आप लोग रहते हैं कैंप में वैसे जाके रहना चालू कर दे, वही होम क्वारंटाइन होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कतर गवर्नमेंट ने क्या कहा है, कोई कंडीशन रखा है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप लोगों का घर में एक पर्सनल रूम है जो अटैच बाथरूम के साथ है, और अगर आप लोगों का अंदर अगर कोविड का कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, तभी आप लोग वो पर्सनल रूम में विद अटैच बाथरूम में आप लोग रह सकते हैं। और अगर आप लोगों का पास पर्सनल रूम विद अटैच बाथरूम नहीं है, और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों में कोई भी सिम्टम है, सिम्टम कुछ भी हो सकता है, कफ हो सकता है, टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, आप लोगों का मुंह में स्वाद नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम है, तो आप लोगों को उस सेंट्रलाइज आइसोलेशन होम क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। और अस्पताल अथॉरिटी 24/7 इस सेंटर के साथ फोन से जुड़े रहेंगे। स्क्रीन में जो नंबर आप लोगों को दिख रहा है, इस नंबर को आप लोग अभी से सेव कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कभी कौन सा सिचुएशन आ जाता है और उस टाइम आप लोगों को वाईफाई मिलेगा कि नहीं, मेरा वीडियो देखने को मिलेगा कि नहीं, फोन नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का रूम में दूसरा कोई भी रहने नहीं वाला है। ओके, तो इस नंबर पर आप लोग अगर क्वारंटाइन में रहने का टाइम कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू आप लोग फेस करता है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कीजिए। इमरजेंसी सर्विस में 24/7 आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट खबर क्या आ रहा है कतर की तरफ से। यहाँ पे एक छोटा सा गुड न्यूज आ रहा है, एक छोटा सा बैड न्यूज भी आ रहा है। पहले तो मैं गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि यहाँ से मिनिस्ट्री से कहा गया कि अभी तक टोटल 5,61,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का डोज दे दिया गया है। और जैसे कि आप लोगों को पता था कि पहले दिन में 14,000 वैक्सीन एक दिन में लगा जा रहा था, और उसी वैक्सीनेशन को अभी बढ़ा के 21,000 वैक्सीन अभी एक दिन में लगा जा रहा है। ओके, तो चलिए अभी देख लेते हैं बैड न्यूज क्या आ रहा है। बैड न्यूज यही आ रहा है कि अभी तक जितने भी कोरोना केसेस आए हैं कतर में, इनमें से लास्ट वीक में सबसे ज्यादा कोरोना का पॉजिटिव केसेस कतर में आया है। ये रिकॉर्ड किया है अभी तक का सबसे ज्यादा कोरोना का केस कतर में आने के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि कतर में कोरोना का कंडीशन कितना बदतर से बदतर होते जा रहा है। ओके, तो अभी चलिए देख लेते हैं आज का दिन का कोविड कंडीशन क्या है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का डेट में टोटल 416 लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन में भेजा गया, जो प्रिकॉशनरी मेजर है कतर का उसको वायलेट करने के लिए। इनमें से 395 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए, 7 लोगों को गाड़ी का जो रूल है, व्हीकल का रूल है, उसको वायलेट करने के लिए, 6 लोगों को एट्रस ऐप को स्टार्ट ना करके बाहर में निकलने के लिए, और 8 लोगों को सेफ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन में भेजा गया। तो चलिए अभी कोविड का आंकड़े की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। आज का दिन में लास्ट 24 आवर्स में 497 मतलब तकरीबन 500 कोरोना का पॉजिटिव केसेस आया है, जहां पे अगर हम लोग रिकवरी केस का बात करें तो टोटल 315 मतलब 315 रिकवरी केस दर्ज किया गया है। लास्ट 24 आवर्स में फिर से एक नया डेथ देखने को मिला है, और इसी के साथ साथ आज तक टोटल 271 डेथ केस कोरोना में रजिस्टर किया गया है। और आज लास्ट 24 आवर्स में टोटल 13 लोगों को आईसीयू में भर्ती किया गया है, और एक साथ टोटल 141 लोगों का एक साथ आईसीयू में ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके, तो यही जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, आज का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।